हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा। बहुत लोगों ने फरमाइश की है कि हमें मिंड और गमक का एक ट्यूटोरियल चाहिए। वैसे काफ़ी इस तरह के ट्यूटोरियल यूट्यूब पर अवेलेबल भी हैं, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे बताया कि गमक और मिंड पर एक आप ट्यूटोरियल बनाइए। तो आज आप सब लोगों की फरमाइश पर मैं मिंड और गमक का ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। सिर्फ 5 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा कि मिंड और गमक क्या है और कैसे बजाते हैं। सिर्फ 15 मिनट में आपको आ जाएगा कि हाँ, ये मिंड है और ये गमक है और इसको इस तरह से बजाना है। लेकिन इसको आत्मसात करने के लिए आपको कम से कम 5 साल तक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर 5 साल तक आपने इस मिंड और गमक की एक्सरसाइज की डेली, तभी आप मिंड और गमक को आत्मसात कर पाएंगे और आपकी गायकी अंग बजाने में ला पाएंगे। जब हम कुछ गायकी अंग को बजाने में लाने की कोशिश करते हैं, तब मिंड और गमक की बहुत सारी आवश्यकता रहती है। बहुत से ऑर्नामेंटेशंस हैं जो कि गायकी अंग को इंस्ट्रूमेंट में लाने के लिए ज़रूरी है, जैसे खटका, मुरकी, कर्ण, उपकर्ण, मिंड, गमक और फिर साथ में आंदोलन, वाइब्रेशन, सब कुछ। पहले आज हम बात करेंगे सिर्फ मिंड और गमक की। खटका, मुरकी, कर्ण, उपकर्ण, बाकी सारी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे। बहुत इजी है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि मिंड और गमक क्या बड़ी बात है, कैसे आएगा, कितना डिफ़िकल्ट है, लेकिन आने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एकदम इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा मिंड और गमक में क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंस है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करके भी आपको बताऊँगा। लेकिन आपको अवश्य 5 साल तक इसका अभ्यास करना ही होगा, तभी आप उसको प्रैक्टिकल बजाने में ला पाएंगे। मैं आपको एक दो प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि मिंड गमक का कहाँ कैसे उपयोग होता है। लेकिन कम से कम 5 साल का एक्सरसाइज करने के बाद ही आपकी फिंगर में, आपके दिमाग में मिंड और गमक का आइडिया बैठेगा। तो ये समझने के, सीखने के लिए ये चीज़ है ही नहीं। समझना, सीखना 15 मिनट का काम है। मैं आपको 15 मिनट में बता दूंगा, आपको आ ही जाएगा, इसमें आने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। लेकिन इसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए, बांसुरी पर बजाने के लिए और गाने में जहाँ जहाँ, या तो बंदिश में, क्लासिकल में, या तो फिल्मी गानों में जहाँ जहाँ आपको बजाना है, वहाँ वहाँ बजाने के लिए, उसकी समझ के लिए और प्रैक्टिकल फिंगर का यूज़ करने के लिए आपको 5 साल मिनिमम इसका एक्सरसाइज करना ही होगा, उसके बाद ही आएगा। तो चलिए बात करते हैं मिंड और गमक की। तो ज़्यादातर लोग समझते हैं मिंड कोई अलग चीज़ है, गमक कोई अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिंड और गमक दोनों का मतलब होता है घसीट, यानी एक स्वर से दूसरे स्वर पर घिसते हुए जाने का। दोनों में ये एक समानता है, मिंड में भी यही करना है, गमक में भी यही करना है। और दूसरी बात, जिस तरह से सितार में या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में तार को खींच के घिसते हुए दूसरे स्वर पर जाते हैं, उसी तरह से यहाँ हमको फ्लूट में करना है। सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल पहले बताता हूँ, बाद में मिंड और गमक का डिफरेंस क्या है ये भी बता देता हूँ। देखिए, हम सा बजाते हैं, सिर्फ सा। ये नी से सा का घसीट लिया, अब ध से सा कर लेते हैं, भोपाली में जहीं कभी करना पड़ता है। या अब रेसे लेते हैं, इस तरह से घसीट लेते हुए, घिसते हुए एक स्वर से ऊपर। ये कर्ण स्वर नहीं है, याद रखना, ये कर्ण नहीं है। ये स्वर को घिसते हुए लंबे से, आराम से दूसरे मेन स्वर पे जाने का है। लेकिन जो पहले वाला स्वर है वो सुनाई नी सा, ऐसा नहीं लगना चाहिए, सिर्फ सा ही लग स।
ऐसा ही लगना चाहिए, सा लगना चाहिए। एक स्वर से दूसरे स्वर पे घिसते हुए जाना है और थोड़ा आराम से जाना है, लेकिन पहले वाला स्वर क्लियरली सुनाई नहीं देना चाहिए। नी सा ऐसा नहीं लगना चाहिए, सा इस तरह से लगना चाहिए। दूसरी बात, मींड और गमक दोनों में यही करना है, डिफरेंस क्या है ये अलग से बताता हूँ। दूसरी बात जो समानता की है, मींड या गमक दोनों एक स्वर से भी ले सकते हैं, दो स्वर से भी ले सकते हैं, तीन स्वर से भी ले सकते हैं। देखिए ये एक स्वर वाला, ये दो स्वर वाला, प से ये तीन स्वर से, ऊपर से भी ले सकते हैं। ऊपर का स्वर मैंने क्लियरली आपको सुनाई दिया है इसलिए कि आपको पता चले कहां से लिया है। ग सा रे सा म सा, लेकिन ये ऊपर वाला स्वर क्लियरली नहीं सुनाई देना है। नीचे के सुर से बजाते हैं तो नीचे वाला स्वर भी क्लियरली नहीं सुनाई देना है, सिर्फ मेन स्वर सुनाई देना है। बस एक स्वर की, दो स्वर की, तीन स्वर की मींड हो सकती है। मींड और गमक दोनों में घसी इस तरह से लेते हुए जाना है, दोनों में यही एक समानता है। एक स्वर की भी हो सकती है, दो स्वर की भी हो सकती है, तीन स्वर की भी हो सकती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है इसकी बात करते हैं। तो जो गमक है वो सिर्फ ऊपर के नोट से ही आ सकती है, नीचे के नोट से गमक नहीं आ पाती है। तो नीचे के नोट से अगर लिया तो उसको गमक नहीं कहेंगे, ऊपर के नोट से ही आती है। और जरा दूसरा डिफरेंस है, गमक फास्ट आती है, एकदम फास्ट कर लो तो गमक हो जाएगी, एकदम स्लो कर लो तो मींड हो जाएगी। बस यही मेन डिफरेंस है, देख लीजिए। ये पा 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 पा, ये पा बजाया, अब सा बजाना है। सा सा, तो ये सा बजाया, ये ऊपर के नोट से लिया है, ये स्पीड में बजाना है। देखिए मींड स्लोली आती है, गमक फास्ट आएगी, ये मेन डिफरेंस है। गमक फास्ट लेना है, जब जब मींड को ही आप फास्ट लेंगे तो वो गमक कहलाती है, और कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आप मींड लेते हैं वैसे ही गमक को लेना है, लेकिन फास्ट लेना है। और दूसरी बात, मींड नीचे से, नीचे के स्वर से भी आ सकती है, ऊपर के स्वर से भी आ सकती है, लेकिन गमक ऊपर के स्वर से ही लेनी है और फास्ट लेनी है। देखिए गमक, तो ये जो गमक हुई ये ऊपर के स्वर से एक एक स्वर वाली गमक थी। अब देखिए यही गमक दो स्वर वाली भी हो सकती है, तो ये दो स्वर वाली गमक। अब ये गमक मैंने चार चार बीट में ली, सपा पा 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 रा रा रा। अब ये तीन वाली भी ले सकते हैं, दो वाली भी ले सकते हैं, एक वाली भी ले सकते हैं, पांच वाली भी ले सकते हैं। देखिए तीन वाली, म पे मैं क्यों नहीं जा रहा हूं ये बात मैं बताता हूं। म का भी कर्ण मिंड कैसे लेते हैं उसका अलग से बात बताता हूं। तो ये तीन वाली है, अभी दो वाली भी देखिए। पा पा, ये पा बजाते वक्त ध तो बिल्कुल खुलता ही नहीं है, देखिए पा 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 पा। आपने देखा मींड और गमक में जो मेन डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है,
गमक ऊपर के स्वर से ही आती है और मेंड से बहुत ज्यादा फास्ट होती है। फास्ट में भी आप दो तीन लय अलग अलग कर सकते हैं। देख लीजिए, ये ज्यादा फास्ट है, अब थोड़ी कम फास्ट, और थोड़ी कम फास्ट, तो इस तरह से कम या ज्यादा फास्ट करते हुए इसका एक्सरसाइज करना है। अब आप कोई भी अलंकार भी बजाइए, प द नी ध नी सा नी सा रे सा, तो उसमें भी आप मींड ला सकते हैं। देखिए, इस तरह से प द नी ध नी सा रे सा रे ग रे ग म, इस तरह से मींड लेते गमक लेते हुए इसका आप अलंकार कोई भी अलंकार भी बजा सकते हैं। जब आप गमक के लिए ब्लो करें तो ठू 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 ऐसा आवाज करना है। ठू 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 प प प प द द द द नी 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 सा 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 सा, इस तरह से लेना है। अब मंद्र सप्तक के प की गमक आप ध से भी ले सकते हैं, ध प ध व ध व ध व ध प, या नी से भी लेते हैं, नी प नी प नी प नी प, या सा से भी लेते हैं, सप 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 सप, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर वाला स्वर है वो स्पष्ट दिखना नहीं चाहिए। ध ध प प प प, इस तरह से लगना चाहिए। ध प ध प ध प ध प नी प नी प नी प नी प, सप सप सप, ऐसा नहीं लगना चाहिए। देखिए कैसे, अब ये नहीं लगना चाहिए, ये नहीं, ये अगर गलत प्रैक्टिस पहले से हो गई तो फिर आपकी गलत ही रहेगी, लास्ट तक गलत प्रैक्टिस रहेगी, ये गलत प्रैक्टिस आप नहीं करना। दप 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 निप निद 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 सानी 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 सानी, ये नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार देखिए, सिर्फ हल्का सा टच लेते हुए फास्ट लेना है। तब तब प द नी सा, इस तरह से लेना। गमक और मेंड दोनों एक स्वर वाली, दो स्वर वाली, तीन स्वर वाली, चार स्वर वाली भी हो सकती है। और गमक में आप ताल की बात करें तो तीन स्वर में तीन बार घिस के भी कर सकते हैं। चार वाली भी कर, प द नी नी सा, ये स्वर निकलना चाहिए, दप 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 दप, ये नहीं निकलना चाहिए। अब बात करते हैं म वाले, देखिए म तक जाते हैं, अब म में दो तीन तरह से हम गमक ले सकते हैं, घसीट ले सकते हैं। कहाँ से घसीट लेना है, देखिए तीव्र म से शुद्ध म की ले सकते हैं, अगर आपकी फिंगरिंग बहुत पक्की है तो ही, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। क्योंकि तुरंत तीव्र म होते हुए शुद्ध सीधे शुद्ध म पे आना है और होल बंद होके ग नहीं दिखना चाहिए, शुद्ध म ही दिखना चाहिए। तो इस तरह से ये आना चाहिए। दूसरा तरीका है नीचे के ग से भी, वैसे दूसरे स्वरों में ग से मींड नहीं लेते, इसमें अगर चाहें तो आप ग से भी म की मींड लेते हैं, लेकिन म सुनना चाहिए, सुनाई देना चाहिए। तीसरा तरीका है प से म की मींड, लेकिन प से म की मींड लेते हुए आपको डिफरेंट डिफरेंस तुरंत सुनाई दिया जाएगा। इसके लिए कुछ लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा होल करते हैं और उससे प से म की मींड लेते हैं, तो अगर ये आपके पास एक्सपर्टीज है तो ही प से म की मींड लेनी चाहिए, अन्यथा प से म की मींड नहीं लेनी चाहिए।
अगर यहाँ एक्स्ट्रा हॉल है, मैं भी एक्स्ट्रा हॉल के साथ बांसुरी नहीं बजाता हूँ, तो मैं भी यह अभी प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग यहाँ ऊपर की जो थंब है यहाँ पे एक्स्ट्रा हॉल करके पौसे मौ की मींग लेते हैं। अगर ये आ जाए तो अच्छी ही बात है, आपको करना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो तीव्र म से शुद्ध म की मींड लीजिए या तो ग से म की मींड लीजिए। अब देखिए, तीव्र म की मींड लेनी है तो कैसे लें, तीव्र म भी कभी बजाना होता है तो तीव्र म की मींड कैसे लें। तो तीव्र म की मींड हम पंचम से ले सकते हैं, लेकिन उसी जगह पे पंचम बजाना है, यानी कि बांसुरी को थोड़ा घुमा के उसी जगह पे प लेके फिर तुरंत म पे आना है, ये करना है। ये तीव्र म है, तीव्र म इस तरह से थोड़ा घुमा के पंचम तक गए, फिर तीव्र म पे आइए। इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन ये डिफिकल्ट है। ये अगर सीखने के टाइम पर अगर आप इसका रियाज नहीं करेंगे तो चलेगा। आप सिर्फ सारे ग म पधनिसा रे ग म प धनिसा रे ग म प प टू प टू प, इसका गमक का एक्सरसाइज कीजिए रोज, हर रोज सुबह आधा घंटा, अलग अलग लय में, अलग अलग स्पीड में और अलग अलग स्वर के साथ, 2 स्वर 3 स्वर 4 स्वर 5 स्वर तक की आप गमक लेके इसका प्रैक्टिस करेंगे तो मींड भी तो अपने आप आ ही जाएगी। अब एक और बात, जब आप कोई पर्टिकुलर राग की गमक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे भोपाली की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ध बजाना है, तो निधा 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 नहीं आना चाहिए, यहाँ सादा 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 होना चाहिए। ये हर एक राग के लिए लागू होता है, जिस राग में जो स्वर वर्जित है वो स्वर मिंड में भी नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, ये भोपाली की बात करते हैं, की मिंड सा से लेते हैं, ये गलती नहीं होनी चाहिए कि वहां यहां भी नी से निधर निधर ले लिया। तो ये जो ध बजा ये भोपाली के लिए उपयुक्त नहीं है, भोपाली के लिए ये है। देखिए, राग के हिसाब से गमक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप कोई राग में गमक बजा रहे हैं तो, अगर आप सिंपल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारे स्वर प से प और ऊपर के प तक की बजाइए। तो ये गमक और मींड है, इसका प्रैक्टिकल प्रयोग कैसे होता है एक दो सिंपल एग्जांपल आपको दे देता हूँ। देखिए, एक गाना हम बजा रहे हैं, ये मोह मोह के धागे, जो अभी नया गाना है आपने सुना होगा, तो उसमें जो प्रील्यूड है उसमें पहले जो है उसमें गमक का यूज हो रहा है। इसका जो इंटरल्यूड है इसमें भी गमक का यूज हुआ है।
देखे यहाँ जो प्रीलूड था। तो ये तो यहाँ पे गमक हुई है। अब इसमें मिंड कहाँ होती है देखिए, तूने मुझको है चुना। इस गाने में मिंड, कर्ण, गमक, खटका, मुरकी सब ऑर्नामेंटेशन का यूज हुआ है। जब खटका मुरकी का मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा कहां पे कैसे हुआ है। ये मुरकी है, ये खटका, खटका मुर्गी का एपिसोड में एक बात में लेने वाला हूं। लेकिन मिंड कहां कहां होती है देखिए, यहां भी से ग की मिंड 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 पे आए हैं धीरे धीरे से। तो यहां पे मिंड का बहुत यूज हुआ है। इसका जो इंटरल्यूड है इसमें भी गमक का यूज हुआ है। तो प्रैक्टिकली मिंड और गमक का बहुत यूज होता है। इसको आत्मसात करना बहुत जरूरी है, इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। एक और गाना बता देता हूँ जिसमें मिंड का अच्छा यूज हुआ है। देखिए यहाँ पे नी पा नी सा
लगा पे मिंड का यूज हुआ है। तो यहाँ भी मिंड का अच्छा यूज है। ये खटका है। देखिए ये गीत में कितने यहाँ मींड का गमक का यूज हुआ है। और खटका मुर्गी तो है ही बहुत, लेकिन मैं नेक्स्ट एपिसोड में इसको बताऊंगा। देखिए एक और गीत है, मैं तेनू समझावा। ग सा, कैसे ग सा की मींड आती है, ये खटका है। इस तरह से इस राग में, इस गीत में भी बहुत ज्यादा मेन का यूज हुआ। एक और गीत देख लेते हैं। इस गाने में कितनी मिंड का यूज हुआ है। तो कोई भी पिक्चर का गाना ले लीजिए, जब कोई क्लासिकल राग वैसे है तो उसमें ज्यादा होता है, तो मिंड का बहुत यूज होता है, मिंड का बहुत उपयोग करना ही पड़ता है। इसके लिए गमक की प्रैक्टिस करनी जरूरी, जब गमक की प्रैक्टिस ज्यादा होगी तब मिंड अच्छे से आएगी। और गमक का प्रैक्टिकल में यूज बहुत कम जगह पे होता है, लेकिन जहां होता है अच्छा ही होता है। उससे फ्लूटिंग आपकी जो वॉइस है, वॉइस क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगती है।
तो गमक और मेंढ का बहुत 5 साल तक बहुत एक्सरसाइज करना है। मेंढ स्लो है, गमक फास्ट है। मेंढ नीचे के स्वर से या ऊपर के स्वर से आ सकती है, गमक सिर्फ ऊपर के स्वर से आती है। मेंढ एक स्वर की, दो स्वर की, तीन स्वर की हो सकती है, गमक भी एक स्वर की या दो स्वर की या तीन स्वर की हो सकती है। क्योंकि मेंढ स्लो है उसमें ताल का कुछ वो नहीं है, ध ध ध ऐसा नहीं करना है, जहाँ यूज करना है वहीं पे उसको ध ऐसे लेना है। लेकिन जब गमक का यूज करते हैं तो ताल के साथ 3 बिट में, 4 बिट में, 2 बिट में, इस तरह से 5 बिट में किसी तरह से ध ध ध ध रे नी 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 इस तरह से लेना होता है। और शुद्ध म की मेंढ तीव्र म से या ग से ले सकते हैं, और तीव्र म की मेंढ प प से ले सकते हैं। एक स्वर वाली, दो स्वर वाली या तीन स्वर वाली, चार स्वर वाली भी गमक हो सकती है। कम स्पीड वाली, फास्ट स्पीड वाली, अति फास्ट स्पीड वाली भी गमक हो सकती है। तो ये सब बातें हुई गमक और मेंढ की। बस 5 साल तक प्रैक्टिस करिए, फिर आएगी। हो सकता है आप ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करें तो 1 या 2 साल में भी आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस करने के बाद ही, जब आप कहते हैं कि मेरे गाने में, मेरे बजाने में मिठास नहीं आती है, स्वीटनेस नहीं आती है, तो वो स्वीटनेस लाने के लिए ये और भी बहुत सारे ऑर्नामेंटेशंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये मेंढ और गमक की भी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है और पड़ेगी ही। इसके लिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये कोई ना आने जैसी बात नहीं है, आने के लिए सिर्फ 15 मिनट में आ जाएगी, सीखने की बात नहीं है, सीखने में 15 मिनट में सीख पाएंगे। ये एक्सरसाइज की बात है, प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिकल की बात है। तो इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते ही रहिए, करते ही रहिए। एक ना एक दिन अच्छे से गमक मेंढ आ ही जाएगी। धन्यवाद आप मुझे सुनने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और आपने ये पूरा देखा है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा लगा है तो आपके और भी दोस्तों को फॉरवर्ड भी कीजिए, तो वो लोग भी सीख पाएँ। और आपने जितनी सारी कमेंट्स दी हैं, फरमाइश की हैं, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। बहुत सारी कमेंट्स आई है अच्छी अच्छी, मुझे भी अच्छा लगता है आपकी सबकी कमेंट्स देखते हुए। तो इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।